गाइज ये है कैनन की तरफ से 50mm 1.8 एपर्चर लेंस। और गाइज आपको पता ही है किट लेंस के बाद ये वाला द मोस्ट डिमांडिंग प्राइम लेंस में आता है। बेसिकली हमारे पास भी ये प्राइम लेंस 50mm का रिव्यू करने के लिए आया हुआ है। एंड गाइज यहाँ पे मैं ना इस लेंस को डायरेक्टली अपने कैमरे में यूज करके वीडियोस बना सकता था, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बट नहीं गाइज, यार देखो मैं हर चीज यहाँ पे यूज करता हूँ उसमें मैं छोटी से छोटी आप सबको इन्फॉर्मेशन चाहे कोई भी अपग्रेड कर रहा हूँ वो आप सबको क्लियर करना चाहता हूं, ताकि अगर आप सब इन फ्यूचर ये लेंस लेने जा रहे हैं क्या इसके प्रोस कॉन्स है, क्या चीजें प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज है, वो सारी चीजें मैं आपको बता सकूं। और साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या आपके कैमरे के लिए 50mm लेंस क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे वीडियोग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए, क्या आप सबको ये रिकमेंड करूंगा नहीं करूंगा। मतलब मैंने सच में सीरियसली इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं अपने कैमरे में और मैं सारी चीजें कवर भी करने वाला हूं। सो मैं काफी ज्यादा आज की वीडियो के लिए एक्साइटेड हूं। और आप सबको पता ही है मेरा नाम पंकज, आप देखिए टेक एंड टॉक चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्लीज सब्सक्राइब करके गिरी कर देना, मोटिवेशन मिलती है। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू के ऊपर। सो गाइस होपफुली आप सबको ये थोड़ा इंट्रो अच्छा लगा। बट सबसे पहले यहाँ पे मैं इस लेंस, ये जो प्राइम लेंस है 50mm 1.8, इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो बेसिकली ये आप सबको ऑनलाइन अराउंड 9 to 10,000 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि सीरियसली जो वैल्यू पे ये आता है वो लिटरली शॉकिंग है। अगर आप सबका काम थोड़ा बहुत भी फोटोग्राफी रिलेटेड है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा एज अ बिगिनर, लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप सब कोई लेंस लेने भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप 50mm को अपने प्रायोरिटी पे सबसे पहले रखें। और बेसिकली इसको ना जूम लेंस से भी लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। और जूम लेंस में क्या होगा, आप सबको ना काफी तगड़ा बैकग्राउंड बोके ब्लर देखने को मिलता है, क्योंकि अभी नहीं मिलेगा क्योंकि बिकॉज़ आपको पता ही है अभी यहां पे मेरे कैनन के 200D किट लेंस से 18-55 लेंस से यहां पे शूट हो रहा है, जो कि बेसिकली ये किट लेंस है। गाइस अब जो नेक्स्ट आप सब फुटेज देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो इस लेंस को स्विच करने के पे होगी और आप सब क्लियरली डिफरेंस अपने आप से चेक भी कर पाएंगे। सो मैं 3 count पे अब मैं स्विच करने वाला हूं ये लेंस को अपने कैमरे में फिट। और फिट करने के लिए बस सिंपली क्या करना है यार, बहुत नीचे से पीछे से ये जो एक ढक्कन टाइप होता है इसको निकालो एंड एक रेड कलर का मैच होगा वो आपके लेंस में एक क्लिक की आवाज आएगी, बस उससे सिंपली लगा देना, बाकी तो और कुछ नहीं है। एंड मैं अब यहाँ पे स्विच करने वाला हूँ 3 count पे। सो 3, 2, 1 ओके गाइज, ये वाली जो आप सब फुटेज देख रहे हैं ये अभी रिकॉर्ड हो रही है, मैंने वो लेंस लगा चुका है जो 50mm लेंस है। और आप सब सीरियसली जो क्वालिटी और जो क्लैरिटी है, जो शार्पनेस है और जो लाइटिंग है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। जो वीडियो है टोटली मैन्युअली शूट हो रही है और आप सब देख सकते हैं मैं अभी टोटली पूरा फ्रेम में हूँ और बैकग्राउंड में आप सबको ब्लर देखने को मिल रहा होगा। बैकग्राउंड आप सबको मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे दूर है, अपने हिसाब से देख भी सकते हैं कि किस टाइप का आप सबको ब्लर बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जो फ्रेमिंग है वो देखने को मिलती है, जो लाइटिंग है, जो क्लैरिटी है वो आप सबको सामने ही आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं लेंस में आगे बढ़ू डिटेल में, सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा ये बेसिकली प्राइम लेंस है तो इसमें ना आप सबको किट लेंस की तरह ना जूमिंग कैपेसिटी नहीं मिलती है कि आप सब अपने ऑटोमेटिक मैन्युअली थोड़ा जूम कर लिया या फ्रेम को थोड़ा सा वाइडर कर लिया, ये चीज नहीं कर सकते हो। इसमें आप सब मतलब कुछ छेड़ नहीं सकते, आप सबको जो अपना जो लेंस है वो एक जगह रखना पड़ेगा। इसके वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अगर मैं आप सबको दिखाऊं यहां पे मेरे को कैमरा, आप सब देख सकते हो यहां पे मेरा कैमरा कितना दूर मैंने यहां पे सेटअप अभी किया हुआ है इस साइड में, और लाइक आप सब देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज आप ये नोट करना कि अगर आप सबका जो रूम है ना वो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है ना, तो उसके लिए आप सबको अगर मेरे साइड मेरे हेडशॉट टाइप अगर आप एस टाइप की वीडियोस बनाते हो तो आपको कैमरा दूर तो रखना पड़ेगा और लाइक किसी किसी कंडीशन में थोड़ा ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको फ्रेमिंग करोगे इसका कुछ भी शूट करोगे तो काफी ज्यादा क्लोज सारी चीजों को क्रॉप कर देता है। एक चीज याद रखना, लो वाइडर लेंथ देखने को मिलती है, अगर आप सबको ज्यादा आप सबको वाइडर एरिया चाहिए तो कैमरा तो दूर रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे गाइस मैंने इस लेंस के साथ बहुत सारे सब्जेक्टिव और बी रोल शूट किए
की है, जो क्लैरिटी और जो शार्पनेस है वो लिटरली मेरे को एक किट लेंस से काफी ज्यादा अपग्रेडेशन मिली। जो बैकग्राउंड ब्लर आप सब ढूंढना चाहेंगे वो डेफिनेटली आप सबको 1.8 एपर्चर के साथ मिल सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इस लेंस को ना आउटडोर में वीडियो शूट के लिए यूज किया था, और लाइक मैं शॉक हो सकता हूँ कि यार जिस प्राइस में ये आ रहा है, प्राइस में आप सबको जो क्वालिटी और जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो गजब की है। प्लस मैंने यहाँ पे चेक किया था, आप जितना फ्रेम में पास आओगे आप सबका बैकग्राउंड और पीछे का ब्लर होते जाएगा, और जितना मैं थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जा रहा था बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा थोड़ा एपर्चर उसकी कम वैल्यू हो रही थी। तो ये चीज है, अगर आप सब पोर्ट्रेट में शूट कर रहे हो तो काफी गजब की आपकी बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगी, स्पेशली इन आउटडोर। यहाँ पे जूम करके भी देख लो, यहाँ पे कोई ऐसे कोई पिक्सेलेटेड नहीं बनती है, ये फ्रेम आप सब देख सकते हो, जूम भी कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेंस में जो मिनिमम एपर्चर है वो 1.8 देखने को मिलता है। अब बेसिकली जिन जिन लोगों को पता है एपर्चर, यार देखो एपर्चर का जितना कम वैल्यू होगा आप सबको बैकग्राउंड में उतना तगड़ा ब्लर देखने को मिलेगा। तो उतना समझो 1.8 एपर्चर आपका अगर लेंस है तो आप सबको बहुत तगड़ा ब्लर देखने को मिलेगा, बाकी उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो मैन्युअली। और इसके लिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने एक किट लेंस से फोटो खींची थी और एक प्राइम लेंस से फोटो खींची थी, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं क्वालिटी और जो ब्लरनेस है वो उसका डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। एंड हां, इसमें आप सबको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट हाँ इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है। अगर आप सबका कैमरा सपोर्टेड है इमेज स्टेबलाइजेशन, लाइक मेरे 200D में है तो ये चीज ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, बट अगर आप सबका कैमरा में भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है और लेंस में भी नहीं है तो थोड़ी सी वीडियो या व्लॉगिंग देखो व्लॉगिंग के लिए तो ये मत रिकमेंड, मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा, 50mm काफी ज्यादा जूम कर देता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोज थोड़ी बहुत लो लाइट कंडीशन में मैंने ट्राई किया, मेरे को मतलब सीरियसली जिस प्राइस पे आता है ना मैं सीरियसली बोल सकता हूँ बहुत तगड़ी आप सबको वैल्यू ये जनरेट करके देगा। प्लस मैंने यहाँ पे फोकसिंग भी चेक की थी इसकी, ठीक है लाइक उतनी भी फास्टर फोकसिंग नहीं देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रेंज का यहाँ पे लेंस है, तो फोकसिंग ठीक है, मैं चेक किया था फोकसिंग भी, बाकी ठीक लगा मेरे को। अब यहाँ पे अगर मेन इसके थोड़ी फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे टन्स ऑफ फोटोज खींची थी। सबसे पहले यार आप सब सारी फोटोज को देख लो फटाफट, गाइज होपफुली आप सबको फोटोज का एकदम पूरी अंदाजा हो गया। और मैं पर्सनली बोलूं यार फोटोज के मामले में ना सीरियसली ये लेंस डेफिनेटली बहुत गदर परफॉर्म करता है, जो ब्लरनेस जो आप सबको वीडियो में डेप्थ देगा वो सीरियसली लाइक इस प्राइस रेंज में और कोई लेंस दे ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली यार फोटो वोटोज क्लिक करनी है तो आप सबने सारे सैंपल्स देख ही लिए, होपफुली आप सबको ये जो लेंस है इसकी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। से मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि ये जो लेंस है ये प्राइम लेंस थोड़ा जूम लेंस में है तो हर चीज को थोड़ा सा जूम कर देता है, ये क्रॉप कर देता है हर साइड से, तो ये चीजें एक ध्यान रखना। बाकी वीडियोस के लिए ले रहे हो तो हेड शॉट लोगे या हेड रोल बनाना है तो कैमरास दूर रखने पड़ेंगे, बाकी फोटोज में तो मैं सीरियसली मजा ही आ जाएगा आप सबको फोटोज क्लिक करने में इसके साथ। एंड गाइस होपफुली वीडियो देख के मजा आएगा, मजा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिलेगी ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत करीब है 14,000 की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, कैमरा अब दूर हो चुका है तो यहीं से टाटा बाय बाय करने पड़े, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, हम मिलते हैं ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।